नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। महाराष्ट्र सरकार ने परिवहन और संचार सुविधाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए, जिलों के बीच में दूरी कम करने के लिए राज्य भर में लगभग 5,267 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बनाने की योजना बनाई है। निगम लगभग 4,217 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर काम कर रहा है और बाकी 1500 किलोमीटर का काम NHAI द्वारा किया जा रहा है। अभी इसमें और एक नया प्रोजेक्ट जुड़ रहा है, नासिक पुणे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नासिक पुणे औद्योगिक राजमार्ग, उसको सरकार ने मंजूरी दी है। आज के वीडियो में हम लोग पुणे नासिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात करने वाले हैं। राज्य में संचार की सुविधा के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन युद्ध स्तर पर सड़कों का निर्माण कर रहा है। राज्य में समृद्धि महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग जैसे प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है। अब मुंबई में कोस्टल रोड का काम चल रहा है, MTHL का काम कंप्लीट हो गया, विरार अलीबाग कॉरिडोर का काम चल रहा है। पुणे और नासिक के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसमें ये कॉरिडोर बनने के बाद में, अभी पुणे से नासिक जाने के लिए लगभग 5.5 घंटे लगते हैं, ये कॉरिडोर बनने के बाद में पुणे से नासिक जाने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। यह यात्रियों के लिए समय बचाएगा और यहाँ उद्योग को भी लाभान्वित करेगा। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये इस राजमार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। पुणे नासिक राजमार्ग परियोजना लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। पुणे नासिक राज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में MSRDC द्वारा बनाया जाएगा और ये महाराष्ट्र में बनने वाले 4,217 किलोमीटर राजमार्गों के नेटवर्क में से एक है। जून 2023 में MSRDC ने एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया था जो इस प्रोजेक्ट का सर्वे करेगा और DPR बनाएगा। मोनार्क सर्वेयर एंड इंजीनियर कंसल्टेंट, ये उस कंपनी का नाम है, उसने ये सर्वे किया है और DPR भी बनाया है और इसका रिपोर्ट MSRDC को सबमिट किया है। अभी MSRDC इस पर विचार कर रही है और इसके बाद जल्दी काम उस पर शुरू होगा। जैसे सबसे पहले लैंड एक्विजिशन काम शुरू होगा। ये प्रोजेक्ट का मैप देख सकते हैं आप। ये प्रोजेक्ट होने की वजह से पुणे, नासिक और अहमदनगर तीनों जिलों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये पुणे नासिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समृद्धि महामार्ग को भी कनेक्ट करेगा और उसके साथ ही सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। इस नए औद्योगिक गलियारे के रूप में पुणे और नगर से कृषि उपज की परिवहन समृद्धि के माध्यम से न केवल महाराष्ट्र बल्कि गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी संभव होगा। यह राजमार्ग भविष्य में पुणे, अहमदनगर और नासिक के तीन जिलों में महत्वपूर्ण दक्षिणी राज्यों के साथ बंदरगाह और मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। क्षेत्र काफ़ी हद तक इसका डेवलप होगा। पुणे नासिक औद्योगिक महामार्ग लगभग 213 किलोमीटर का है। उसमें पुणे नासिक औद्योगिक राजमार्ग राजगुरुनगर, चाकन, मंचर और शिरडी से होके गुजरेगा। इसको तीन विभागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुणे से शिरडी 135 किलोमीटर, दूसरा है शिरडी इंटरचेंज से नासिक निफाड इंटरचेंज 60 किलोमीटर, यह सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है,
और नासिक निफाड़ इंटरचेंज से नासिक 60 किलोमीटर। यह मौजूदा नासिक निफाड़ राज्य महामार्ग का हिस्सा है और इसे अपग्रेड किया जाएगा। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने की वजह से पुणे नगर और नासिक के किसानों को और यहाँ के उद्योगों को भी बहुत अच्छी तरह से इसका बेनिफिट होगा। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग के कनेक्ट होने की वजह से ये वो महामार्ग के थ्रू JNPT पोर्ट तक इसका ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी सुविधाएँ होंगी। तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, उसका ट्रांसपोर्टेशन वो सीधा JNPT बंदरगाह तक आराम से हो सकेगा। ये प्रोजेक्ट होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी हद तक सुविधा प्राप्त होगी और महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डेवलप हो जाएगा। ये पुणे नासिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पुणे के रिंग रोड को भी कनेक्ट करता है। ये पुणे का जो प्रपोज्ड रिंग रोड है वो उसको आळंदी के पास कनेक्ट करता है। तो इस हिसाब से पुणे का रिंग रोड मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग और सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, ये तीनों को ये कॉरिडोर कनेक्ट करेगा। पुणे नाशिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर महाराष्ट्र के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।